Good morning, India. Good morning, Arunachal Pradesh. Good morning, Team AAC. So let's start our 12th day dharna here at Jantar Mantar. Since from month and over, we are here. We are still struggling. Still we are fighting. Still we are fighting. Till we didn't meet with our demands. So let's start the day. We have thodi si apni पारिवारिक घरेलू समस्याओं के ऊपर मुद्दा उठाते हैं. तो आज हम सब अरुणाचल के लोग, अरुणाचल के वासी, अरुणाचल एक छोटा सा राज्य है, प्यारा सा, जिसके हम सब परिवार के हम सदस्य हैं. हम एक परिवार है, पूरा अरुणाचल, पूरा 26 जिला एक परिवार है. और इस परिवार में हम सब एक एक बहुमूल्य सदस्य है. तो आज के दिन मुझे बहुत ज्यादा मतलब दुख हुई, मेरे आंखों से आंसू आ गए, जिसके कारण मैं अपनी आंखें आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ. तो मुझे इस काले चश्मे का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मेरी आंखें सूज गई है, क्योंकि मैं रो रो के आ रही हूँ. जो हमारे देश के मतलब नेशनल रिप्रेजेंटेटिव एक माउंटेनियर एवरेस्टर तपी मरा, जब से हम पैदल निकले हैं अरुणाचल से पद यात्रा करते हुए, तब से लेकर के अब हम यहाँ दिल्ली पहुंचे, हमें पूरा 1.5 महीना लगा पैदल चलने में, और यहाँ पहुंचकर अभी धरने पे डटे हुए भी 1.5 महीना हो गए. जब हम निकले थे तब से तपी महाराज जी के खबर आ रहे थे कि उनके गुमशुदा होने का, और वो खो गए कहीं. उनके साथ उनका सहयोगी निकू दाओ, ये दोनों खो गए. और तपी मारा और निकू दाओ के गुमशुदा होने का आज पूरा 2.5 महीना से ऊपर चल रहा है, करीब करीब 3 महीना होने को आ रहा है. राज्य की सरकार आज के डेट तक उसको ढूंढ नहीं पाए, ऐसा क्यों है आखिर? और मुझे आज रुलाया उस दृश्य ने, जो मैंने मोबाइल के जरिए अभी देखा, कि तपी महाराज जी का जो परिवार है वो आईजी पार्क टेनिस कोर्ट पर, जहां अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम 28 दिन के लिए धरने पर बैठे थे, उसी स्पॉट पर उनका परिवार तपी महाराज जी के टेंट के अंदर समाये हुए, वहां पे वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, तपी महाराज जी को खोज के निकालिए, निकू दाऊ जी को खोज के निकालिए. तो सरकार इतना सख्त और इतना मतलब इतना रूखापन व्यवहार सरकार के तरफ से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा जो कि अपना एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव रहा हो और अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक गौरवशाली एक वो प्राउड बेटा रहा हो, जिसने पहला माउंटेनियरिंग का खिताब हासिल किया है, वो बंदा पिछले 2.5 महीने से गायब है. उनके सारे मित्र वापिस लौट चुके हैं, उनके सारे सामान, उनका जो भी निजी इस्तेमाल के लिए जो उनके मोबाइल फोन्स वगैरह थे, जो उनकी बर्तन थे, जो उनके कपड़े थे, वो सब भी मिल गए, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया. उनके साथ में उनका सहयोगी निकू दाओ, ये दो इंसान कहाँ गायब हो गए? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? कहाँ गायब हो गए ये दोनों? सरकार क्यों उनको ढूंढ नहीं पा रहे है? इसकी वजह क्या है? ढूंढ तो नहीं पा रहे उनको, और उसके ऊपर उनका परिवार रो रहा है वहां टेनिस आईजी पार्क टेनिस कोर्ट में हड़ताल कर रहा है, उसपे भी सरकार आंखें मुंडे बैठी है. आखिर क्यों? क्या कसूर है उन परिवार वालों का? क्या गुनाह है उन परिवार वालों का? उनकी तकलीफें सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जब हम यहाँ बैठकर यहाँ से देखकर हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है. एक जीता जागता दो इंसान, हमारा दो माउंटेनियर गायब हो जाता है, उनके सामान मिल जाते हैं लेकिन उनका शरीर नहीं मिलता. शरीर चाहे अगर वो ऊपर वाला करे, वो अभी तक उनकी सांसें चल रही हो, मैं दुआ करती हूँ और मैं चाहूंगी कि वो सही सलामत वापस आए, फिर भी दुर्भाग्यवश अगर उनकी सांसें कहीं अगर दुर्भाग्यवश कहीं पर रुक भी गई होगी, तो कम से कम उनका पार्थिव शरीर तो मिलना चाहिए. उनका कोई नामो निशान नहीं है. आखिर उनके साथ हुआ क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? सरकार क्यों नहीं पता लगा पा रहे?
ये राज्य सरकार से मेरा सबसे बड़ा सवाल है। चलिए हम करप्शन की बात आज नहीं करते, आप लोग करप्टेड नेता हो, आज हम आपको गाली भी नहीं देंगे, लेकिन कम से कम इस बात पे आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि तपी महाराज जी एंड निकू दाव जी दोनों कहाँ है, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आज के देर तक, कहाँ है दोनों तपी महाराज और निकू दाव? इतनी गैर जिम्मेदाराना सरकार कैसे हो सकता है? ये बहुत गलत बात है। पिछले 2.5 महीने से बंदा गायब हो जाता है, जीता जागता इंसान गायब हो जाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं पड़ा हुआ है। राजनीति 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 राजनीति, हम यहाँ करप्शन के मुद्दे को लेके आए तो हमारे ऊपर राजनीति का ढब्बा लगाते हो। अरे बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी सरकार में, बीजेपी सत्ता में, हम बीजेपी के समर्थक है, राजनीति राजनीति करते रहते हो। जिसको हमने वोट देके जिताया वही हम पे नाचते हैं, तांडव मचा रहे हो। हर दिन राजनीति खेलना बंद कीजिए, आज मैं कह रही हूँ राजनीति खेलना बंद कीजिए और सीरियस हो जाइए। उन दो बंदे को ढूंढ कर लेके आइए, चाहे जिंदा या चाहे मुर्दा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। व्हाट द हेल यू पीपल आर डूइंग देयर, एवरी डे यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। इंसानियत नाम की कोई चीज होती है? हर एक चीज से ऊपर उठकर होती है इंसानियत। कहां गई आपकी इंसानियत? जमीर नहीं है आपके अंदर? इतने हैवान बन चुके आप। निकू दाव और तपी मारा को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? अरे लोग बरमुंडा ट्रायंगल से भी टाइटैनिक डूबे हुए जहाज को टुकड़े को ढूंढ के निकालते हैं। क्यारी सतम कौन सा दूर जगह पर है? अपना ही अरुणाचल प्रदेश में, अपना ही वेस्ट कमिंग में, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आप लोग? लोग चांद पर चल करके, बचेंद्री पाल चांद पर चल करके भी, चांद से भी लोग कितने तत्वों को, पदार्थों को ढूंढ कर लेके आते हैं, जमीन का टुकड़ा लेकर आते हैं चांद से यहाँ धरती पर। तो दो जीता जागता इंसान कहाँ गायब हो गया, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आप लोग? क्या गवर्नमेंट के पास में गवर्नमेंट की कोई मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है? अगर राज्य सरकार से नहीं ढूंढा जा रहा है तो केंद्र की सरकार से मदद मांगिए ना, हमारे प्रधानमंत्री जी से मदद मांगिए, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मदद मांगिए। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे आप लोग तपी महाराज और निकू दाव को? ढूंढ के निकालिए। करप्शन है कि नहीं है वो तो आपको बाद में हम बताएंगे, पहले इन दोनों व्यक्ति को ढूंढ के निकालिए। उनको ढूंढने में कोई कसर मत छोड़िए, उनको तो ढूंढ के निकालिए ही निकालिए। उसके साथ साथ राज्य के सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के बिहाफ में, पूरे टीम के तरफ से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, तपी महाराज जी की परिवार और निकू दाव जी की परिवार को इतना मत सताइए, इतना मत तड़पाइए। जब से वो दोनों गायब हो गए हैं, उनके घर में खाने के लाले पड़ गए होंगे, बच्चे भूखे प्यासे होंगे, बीवी नंगे ठंड में वो कांप रही होगी, कम से कम उनके घर परिवार के बारे में सोचिए। अगर उनको ढूंढ भी नहीं पा रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ऑन द कंपेंसेटरी ग्राउंड, कम से कम इन दो औरतों के ऊपर थोड़ा सा ब्लेसिंग तो दे दीजिए। सरकार के पास क्या प्रोविजन नहीं है? जिन बहादुर सैनिकों का, जिन सिपाहियों का, हमारी देश की रक्षा, हम किसके ऊपर आज अपने आप को बड़े गौरव से हम भारतीय भारतीय कहते हैं? क्योंकि भारतीय कहने के लिए, हमें भारतीय बन के जिंदा रहने के लिए हमारी रक्षा कौन करते हैं? वो जो सीमा बल पर हमारा जो रक्षा के, हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, हमारे जवान, इंडियन आर्मी, हमारे जितने भी बहादुर जवान हैं, उनकी बदौलत हम यहाँ आराम की सांस ले रही है, देश के ऊपर हम घूम रहे हैं, इस प्रदेश से उस प्रदेश हम मचल रहे हैं, लोग रंगरेलियां मना रहे हैं, 5-स्टार होटल में जाके ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला गाना गा रहे हैं। किसके वजह से? उन बहादुर जवानों के वजह से। अगर राज्य के, अरुणाचल राज्य के सरकार के पास कोई जवान नहीं है तो केंद्र के सरकार से मंगवाइए, जरा तो रिस्पेक्ट कीजिए, जो अपने देश के लिए, जो अपनी जान की बलिदान देते हैं। सबसे ज्यादा हरामखोरी तो ये भ्रष्टखोरी राजनेता करते हैं, करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाते हैं और अनगिनत बेहिसाब इनके अकाउंट में पैसे होते हैं, करता कुछ नहीं है, 5-स्टार होटल में जाके रंगरेलिया मनाता है, नचनियों के साथ में नाच गाना करता है। उसके बाद जो असल में मेहनत करता है
जो सीमा बल पर जो चाइना के बॉर्डर में जो हमारे जवान रुके हुए हैं, जो भूटान के बॉर्डर में रुके हैं, जो म्यांमार के बॉर्डर में रुके हुए हैं, क्या कभी उन जवानों का दुख दर्द समझने की कोशिश की है राज्य की सरकार ने? पर शर्म की बात है, मुझे तो बहुत ज्यादा घिन आती है ऐसे लोगों पर बात करते हुए, मेरा पूरा रोंगटे खड़े हो जाता है। आज मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि कम से कम आप तापी महाराज जी और निकू दाऊ जी को अगर ढूंढ भी नहीं पा रहे हो तो उनके दो बीवियों को उठा के राज्य के सरकार में आप किसी भी डिपार्टमेंट में उनको कोई भी नौकरियां डाल दीजिए। कम से कम वो अपने बच्चों को तो खाना खिला सके, वो अपने परिवार को तो पाल सके, इतना भी आपसे नहीं हो पा रहा है, मैं राज्य की सरकार से कह रही हूं। और उससे भी कहीं ज्यादा शर्म और गुस्सा मुझे अपर सुबनसिरी एंटायर डिस्ट्रिक्ट के चार विधायक के ऊपर आ रहा है, जबकि अपर सुबनसिरी के चारों विधायकों में से एक विधायक राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर है। आज तक जब से हम अरुणाचल प्रदेश से पदयात्रा करके निकले थे तो भैंस की तरह हमारे पीछे बीन बजा रहे थे, नौटंकी बाज नौटंकी बाज, क्या जरूरी है अगर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने जाना है तो क्या जरूरी है पैदल चलने की, पैदल चलने की क्या जरूरी है, गाड़ी में जाते, फ्लाइट पे जाते, ट्रेन पे जाते, ये सारे ड्रामेबाज बोल के हमारे पीछे बीन बजा रहे थे। अब जब आपके डिस्ट्रिक्ट से आपके जिले से जो बिलोंग करता है परमानेंट रेसिडेंट तापी मारा वो खो गया है, वो हमारा राज्य का एक वो महान योद्धा है, वो एक नेशनल फिगर है, वो इंडिया का गौरव है, वो खो गया है, तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गई है मिस्टर मिनिस्टर? तुम्हारा नाम लेके मैं अपना जुबान गंदी नहीं करना चाहती। कैबिनेट मिनिस्टर एक हो ना, क्यों इस पे आवाज नहीं कर रहे हो, क्यों आवाज नहीं कर रहे हो, ढूंढने क्यों नहीं जाते हो? और उसके साथ साथ सरकार का प्रवक्ता, सरकार का प्रवक्ता जी आप कहाँ हो? अरुणाचल सरकार की प्रवक्ता आप तो बड़े अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट है ना आपका, तो पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट है आपका तो आपका अपना ओन ब्रदर तापी महाराज इज मिसिंग सिंस फ्रॉम 2.5 months, वेयर इज द रोल एंड ड्यूटी ऑफ योर पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट मिस्टर स्पोक्स पर्सन? ये मेरा सवाल है आपसे, क्यों नहीं ढूंढ रहे हो तापी महाराज को? आप ही के डिस्ट्रिक्ट से है ना तापी महाराज, और तापी महाराज जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक महोदय तो मंत्री है। आप लोगों को तापी महाराज की जरा भी चिंता नहीं है, और दो विधायक मौन व्रत क्यों धारण किए हुए हो? किस चीज ने आपको मजबूर किया है तापी महाराज को ना खोजने के लिए, किसने आपको बंद किया है? कम से कम राज्य की सरकार अगर नहीं खोज पा रहे तो जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का 4 MLA है, ऑनरेबल MLA है, ये आप लोगों का फर्ज है, आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग उनको ढूंढने में अपनी तरफ से पूरी जोरदार कोशिश करें और सरकार से कहें कि हमारी मदद कीजिए, हमारा भाई कहीं खो गया है, हम चलो हम उनको ढूंढते हैं। और यही बात ईस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट के मंत्री महोदय आपके ऊपर भी लागू होता है, निकू दाऊ कहां से थे? मंत्री जी आप मीडिया में आते हो बोलते हो कि भाई लोग पदयात्रा मत करो, वापस आ जाओ, राउंड टेबल बात करेंगे बोलते हो, हमसे राउंड टेबल बात मत कीजिए, हमें यही जंतर मंतर पे सरने दीजिए, धरने पे हमें सरने दीजिए, चलो जिंदगी भर भी हम सर जाएंगे धरना देते देते, लेकिन कम से कम आप अपने भाई निकू दाऊ को तो तलाश कीजिए, वो तो आप कर सकते हो ना यार। कैसे कैसे लोग हमारे देश में आज के डेट में भर गए हैं, मुझे सोचकर शर्म आती है, इतने इतने गंदे लोग हैं, देश के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है, अपने राज्य के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है, और अपने राज्य के अपने जिले के भाई बहन खो जाए, दिन दहाड़ा खो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी पत्नियां, उनका परिवार, उनके बच्चे तापी महाराज जी का वो टेंट जो वहां उनका जो लास्ट कैंप था वहां से जो रिकवर हुआ उस कैंप के अंदर घुस के वो टेनिस कोर्ट IG पार्क में बैठकर धरना दे रहे यार, कैसे बर्दाश्त कर सकते हो आप लोग? हमसे नहीं हो पा रहा है बर्दाश्त।
इतने खतोर दिल कैसे हो सकते हो? अरे लेके क्या आए थे और लेके क्या जाओगे संसार से? नंगा बदन माँ के पेट से जन्मे हो, जो भी वस्त्र अभी धारण किए हो, कुछ दिनों का मेहमान है, उसके बाद तुम जब जाओगे इस धरती से तो नंगा शरीर ही जाओगे। किस चीज का इतना मोह माया है? किस चीज का इतना घमंड है? किस चीज का इतना अहंकार है? अरे आज मैं हाथ जोड़ कर चिल्ला चिल्ला कर यहां से मैं बोल रही हूं कि आप लोग ढूंढिए तपी मरा और निकुदाओ को, चाहे कैसे भी करके उनको ढूंढ के निकालिए। मैं अरुणाचल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ कर मैं विनती कर रही हूं कि आप लोग ढूंढ के निकालिए तपी मरा और निकुदाओ को, और उनके परिवार के साथ इंसाफ कीजिए। हमसे नहीं देखा जाता उनका परिवार का ये दुख दर्द, चाहे कुछ भी हो जाए उनके परिवार के साथ इंसाफ कीजिए।